स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या देखते हैं स्मार्टफोन पे, उसका उस फोन का बैटरी बैकअप। अगर बैटरी अच्छा हो तो जो है फोन अच्छा होता है, हम लोग यही चीज़ देखते हैं पहले कि बैटरी उसका अच्छा होना चाहिए। मगर आपको अगर बैटरी अच्छा मिल जाए और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिले, जैसे हैंग हो या आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत स्लो हो, तब क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल जो फोन है वो हमको एक अच्छा मिले, एक बजट में एक कंप्लीट पैकेज में अच्छा फोन मिले, जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो, जिसका कैमरा भी अच्छा, हम लोग कैमरा भी देखते हैं, कैमरा भी अच्छा हो, और कहीं लास्ट में बच जाता है तो हम लोग देखते हैं स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिखने में भी जो है स्क्रीन जो है अच्छा आपको लगना चाहिए। तो ये जो चार चीज है, ये चार चीज जो है हम लोग मेन देखते हैं एक स्मार्टफोन पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा ऐसा पांच स्मार्टफोन जहाँ पे आपको जो 2016 में निकला है मगर अभी तक ये चल रहा है, 2017 तक चल रहा है, और आप जो है इसे आराम से खरीद सकते हैं अगर आपको कोई नया स्मार्टफोन खरीदना हो तो। और ये जो मैं पांच स्मार्टफोन दिखाऊंगा, ये पांचों स्मार्टफोन का जो है यहाँ पे बैटरी अच्छा मिलेगा आपको, फोन तो काफी अच्छा मिलेगा, कैमरा क्वालिटी भी आपको अच्छा मिल जाएगा, और साथ में जो स्क्रीन है वो भी अच्छा मिल जाएगा। 2017 में अभी तक आप आराम से इसे ले सकते हैं और आगे भी चला सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर पांच स्मार्टफोन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी, आपका सनी मिशन बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में, जो जिसमें आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाता है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ जो स्क्रीन क्वालिटी वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल जो फोन आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा। पहला हमारा जो सेट है वो हुआई का मेट 9। अब यहाँ पे आपको स्पेक्स बता देते हैं इसका। तो स्पेक्स में आपको यहाँ मिल जाता है 5.9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही में आपको ऑक्टाकोर बेस्ड क्विन 960 का इसका खुद का प्रोसेसर है, क्विन 960 का प्रोसेसर है, तो क्विन 960 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है ऑक्टाकोर बेस्ड पे। साथ में जो आपको यहाँ पे रैम मिलता है वो 4GB का रैम मिलता है, इंटरनल स्टोरेज जो है 32GB का आपको मिल जाता है इंटरनल स्टोरेज, आप माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं, 256GB तक जो है माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ में जो है अब कैमरा के डिपार्टमेंट में आपको जो रियर कैमरा है, पीछे का जो कैमरा है, वहाँ पे आपको डुअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है, डुअल कैमरा आपको मिलता है। जो पहला कैमरा है वो आपको 20 MP का मिलता है, और जो दूसरा रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 12 MP का। फ्रंट में आपको मिल जाता है 8 MP का, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और इसका जो बैटरी है वो आपको मिल जाता है 4000 mAh का बैटरी मिल जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में, तो आपको जो स्क्रीन क्वालिटी है वो ठीक ठाक मिलता है, फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है 5.9 इंच पे, तो ठीक ठाक जो है आपको यहाँ स्क्रीन क्वालिटी मिल जाता है। प्रोसेसर जो है क्विन 960 का प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर जो है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। कैमरा का आपको बात नहीं करना है, क्योंकि कैमरा जो है यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है, पीछे में रियर आपको है डुअल कैमरा है 20 MP और 12 MP, तो कैमरा आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ में फ्रंट कैमरा भी आपको अच्छा मिलता है 8 MP का, और जो बैटरी है यहाँ पे 4000 mAh बैटरी मिल रहा है इसका, मतलब बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल जो ये फ़ोन है ये अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हैं, प्राइस थोड़ा सा हाई है। हमारा जो दूसरा पिक है वो है मोटो जेड प्ले, यहाँ पे आपको मिल जाता है 5.5 इंच का जो है फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका पिक्सल डेंसिटी 403 का है। साथ में आपको इसका जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको 3GB का रैम मिलता है, साथ में 32GB का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 16 MP जो है आपको रियर कैमरा मिलता है, सामने में जो है वो आपको फ्रंट में जो है वो आपको 5 MP का यहाँ पे कैमरा मिलता है। और बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो है 3510 mAh का बैटरी मिलता है। तो ये जो फोन है ये भी फोन अच्छा है, आपको 25 से 30 हज़ार के अंदर का रेंज में जो है ये फोन मिल जाएगा। और इस फोन का अगर बात कर ले तो इसका जो डिस्प्ले है वो अच्छा है, 5.5 इंच का जो है फुल एचडी डिस्प्ले आपको मिल जाता है, साथ में जो प्रोसेसर है वो ठीक ठाक है, 625 प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा हीट नहीं होता है प्रोसेसर। और यहाँ पे आपको बैटरी की बात करें तो 3510 mAh बैटरी ख़राब नहीं है, आपको अच्छा बैटरी मिल जाता है, पूरा दिन आपको आराम से बैकअप मिल जाएगा। और कैमरा जो है 16 MP कैमरा है, मोटो स्मार्टफोन का कैमरा जो है काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको 16 MP का जो रियर कैमरा मिलता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। तो ये भी जो है आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, 25 से 30 हज़ार के अंदर ये आ जाता है आपका। तीसरा पिकअप है वो है सैमसंग S7 Edge। अब अगर स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ बता देते हैं कि जो स्क्रीन है इसका आपको मिल जाता है 5.5 इंच का क्वाड एचडी डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसका जो रेजोल्यूशन है वो आपका 2560x1440 का रेजोल्यूशन है। इसका जो PPI वो आपको 534 PPI मिलता है। इसका जो स्क्रीन है वो आपका कर्व डिस्प्ले है, एज डिस्प्ले, आप यहाँ पे S7 Edge मॉडल का नाम है सैमसंग की तरफ से, तो एज डिस्प्ले है, तो आपको स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। साथ में अगर प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर मिल जाता है,
रैम मिलता है यहाँ पे आपको 4 GB, इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है 32 GB का, और यहाँ पे आप जो है माइक्रो एसडी कार्ड 256 GB तक लगा सकते हैं। अब कैमरे की बात करें दोस्तों, तो 12 MP का जो है रियर कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर 5 MP का मिल जाता है। अब अगर बैटरी की बात कर लें तो 3600 mAh का जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब अगर सेट की अगर प्राइस की बात किया जाए तो ये प्राइस है आपका 50 से 55 हज़ार रुपया। अभी सेट इसका जो प्राइस है इसका जो कमा है थोड़ा, तो लगभग आपको 45 से 50 हज़ार रुपये के अंदर जो है आपको ये सेट मिल जाएगा। हाई रेंज का जो है ये स्मार्टफोन है, इसका खूबी के बारे में बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन में क्या खूबी है। पहला जो खूबी है वो है इसका डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है, एज डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले इसका औसम है। और परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है क्योंकि स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर है। तो साथ में जो है इसका बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है। और कैमरा की जो कैमरा है इसका बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि कैमरा जो है इतना अच्छा है, एक DSLR से खींचा हुआ है तो इतना अच्छा इसका फोटो आता है, इतना अच्छा जूम होता है, कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है। 12 MP सुनने में आपको ऐसा लग रहा है, मगर अगर रियल में इसका कैमरा अगर प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ तक कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इसका एपर्चर जो है 1.7 है, तो आपको काफ़ी अच्छा जो है फोटो यहाँ क्लियरिटी मिल जाता है आपको। तो कैमरा जो है इसका काफ़ी अच्छा है, फ्रंट कैमरा भी आपका अच्छा है, तो ओवरऑल ये सेट है अच्छा है। थोड़ा महंगा है, 45 से 50 हज़ार थोड़ा दाम है, मगर अगर इस रेंज में आप लेना चाहें तो ये सेट आंख बंद करके आप ले सकते हैं। अब हमारा जो चौथा फ़ोन है वो है गूगल पिक्सल XL। अब ये गूगल की तरफ से फ़ोन है, और गूगल की तरफ से जो पहले फ़ोन निकला था वो नेक्सस निकला था, काफ़ी अच्छा चला। इन लोगों ने निकाला है गूगल पिक्सल, तो एक पिक्सल स्मार्टफोन है, एक पिक्सल XL है, दोनों में फ़र्क यही है, स्क्रीन का साइज का फ़र्क है। तो पिक्सल XL के यहाँ जो मैं बात कर लेता हूँ स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 5.5 इंच का क्वाड एचडी डिस्प्ले मिलता है, 2560x1440 रेजोल्यूशन का है, और इसका पिक्सल डेंसिटी आपको मिल जाता है 534 PPI का। अब यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो 821 का आपको यहाँ प्रोसेसर मिल जाता है, रैम 4 GB मिल जाता है, इंटरनल स्टोरेज जो है आपको मिल जाता है 32 GB का, और जो है आपका यहाँ कैमरा मिलता है 12.3 MP का रियर कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको मिल जाता है 8 MP का कैमरा, और इसका जो बैटरी है वो आपको मिल जाता है 3450 mAh का बैटरी आपको मिलता है। तो अगर इस फ़ोन की खूबियाँ के बारे में बात किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, जो S7 का एच का जो स्क्रीन है वैसे ही यहाँ पे भी आपको स्क्रीन मिलता है सेम रेजोल्यूशन का, मगर यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ये जो है एच स्क्रीन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल स्क्रीन मिलता है, डिस्प्ले आपको यहाँ पे शानदार मिलता है। साथ में जो यहाँ प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है 821 का प्रोसेसर मिलता है, तो 821 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है अभी तक का जो है स्मार्टफोन, अभी तक जितना निकला है तो स्नैपड्रैगन 821 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरा जो है इसका काफ़ी अच्छा है कैमरा, 12.3 MP जो है आपको सुनने में लग रहा है, मगर जो इसका कैमरा है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है कैमरा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात कर लिया जाए तो परफॉर्मेंस में एक नंबर है, कैमरा में एक नंबर है, बैटरी भी इसका 3450 जो एमएएच आपको मिलता है बैटरी भी अच्छा है, तो ओवरऑल ये भी सेट अच्छा है। मगर इसका जो एक जो माइनस पॉइंट ये है कि ये थोड़ा महंगा आता है, लगभग ये 60 से 65 हज़ार रुपये तक आपको जो है स्मार्टफोन मिलेगा। तो आपको अगर इस रेंज में अगर स्मार्टफोन किनना है तो आप 60 से 65 हज़ार रुपये के अंदर ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। अब हमारा जो आखिरी पिक जो पाँचवा पिक है वो है OnePlus 3T। जी हाँ दोस्तों, OnePlus के कंपनी की तरफ से ये फ़ोन है OnePlus 3T, और ये इस ईयर का सबसे अच्छा फ़ोन इसे माना गया है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको जो है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, 4.03 PPI का आपको जो यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है 5.5 इंच का। साथ में जो है आपको प्रोसेसर मिल जाता है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर मिल जाता है, रैम आपको यहाँ मिलता है 6 GB का रैम मिलता है, 64 GB और 128 GB का जो इंटरनल स्टोरेज का जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, या तो आप 64 GB लीजिए या तो आप 128 GB लीजिए। यहाँ पे जो बैटरी आपको मिल जाता है 3400 mAh का बैटरी मिल जाता है। कैमरे की अगर बात किया जाए तो रियर कैमरा जो आपको 16 MP का मिलता है, और फ्रंट कैमरा जो वो भी आपको 16 MP का मिलता है। अब ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन का खूबी की बात किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन में सारे के सारे खूबी दिखती है। हाँ, स्क्रीन जो है क्वाड एचडी डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है, मगर अगर स्क्रीन को अगर बात कीजिए तो सारे जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और इस रेंज में आपको सबसे बेस्ट ये हमारी तरफ से पिकअप है OnePlus 3T। अगर आपको 30 हज़ार के अंदर का रेंज में किनना हो मोबाइल तो आप आराम से जाके जो है OnePlus 3T खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको यहाँ पर 6 GB का रैम मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा है,
और दूसरा बात है इसका जो है बैटरी बैकअप अच्छा है, 3400 mAh का बैटरी मिलता है तो आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और तीसरा जो चीज़ है यहाँ पे आपको कैमरा है काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका जो कैमरा है उसमें काफ़ी सारे फीचर दिए गए, OIS टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो आपको जो है कैमरा जो है पिक्चर वगैरह आपको अच्छा मिलेगी। और सामने में 16 MP, पीछे में 16 MP, दोनों तरफ आपको जो कैमरा है काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसका जो रेंज है वो 30,000 के अंदर का रेंज है। सोच रहे हैं कि हमको एक स्मार्टफोन किनना है 30,000 के रेंज में, एक अच्छा सा स्मार्टफोन किनना है, तो आप आँख बंद करके इसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन है, ये साल का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन इसे माना गया है। तो दोस्तों यही था हमारा जो टॉप 5 पिकअप था स्मार्टफोन का, बैटरी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरा के मामले में, स्क्रीन के मामले में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक दबा दीजिए। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो जो है हमेशा बनाते रहता हूँ, आप तक जो है सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहता हूँ। तो जितना हो सके उस वीडियो को उतना शेयर कीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय।